नालंदा में आगामी विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर विकासशील इंसान पार्टी ने अभी से ही कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए नालंदा के 20 प्रखंडों में प्रखंड छात्र अध्यक्ष, प्रखंड प्रभारी, प्रखंड सचिव की नियुक्ति की गई। नालंदा जिला छात्र अध्यक्ष के द्वारा की गई इस बात की जानकारी देते हुए नालंदा जिले VIP पार्टी के छात्र अध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी के निर्देश पर नालंदा के 20 प्रखंडों में VIP पार्टी के पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है, ताकि उनकी पार्टी का विस्तार हो सके और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाकर वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। देवघर में उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय ने नंदन पहाड़ स्थित शिल्पग्राम परिसर में 3D थिएटर और फूड कोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय ने कहा कि पर्यटन आज दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। साथ ही कहा कि शिल्पग्राम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड मुख्यालय में जन समस्या को लेकर जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में प्रशासन की ओर से लगाए गए सभी विभागों का स्टॉल, जहां ग्रामीण अपनी समस्या के निदान को लेकर संबंधित विभाग के स्टॉल पर पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज कराई। बुधवार को सुभाष चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज नाम वापसी का दिन था। कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों पर BJP और आम आदमी पार्टी द्वारा रोड़े अटकाने का काम किया गया है, लेकिन वो फिर भी सफल होती नहीं हुई दिखाई दे रही है, और जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा सफलता की ओर दिखेगी और लोगों का बखूबी काम भी करेगी। इन बातों में ना जाता हूँ, सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस सरकार के रहते दिल्ली के अंदर जामिया के बच्चों के ऊपर दुर्व्यवहार पुलिस द्वारा होना, जिस सरकार के रहते JNU के अंदर गुंडों का पास पहनकर बच्चों के ऊपर प्रहार करना और पुलिस चुपचाप देखती नहीं हो, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, ओवर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आम आदमी पार्टी से हमारी कांग्रेस से ज्वाइन कर रहे हैं श्री प्रमोद जी त्यागी, जो एस चेयरमैन है RW के रोहतास नगर BJP वार्ड के, वो भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। श्री राधेश्याम जी गोयल, श्री सुहेल जी चौधरी, श्री ताहिर जी अंसारी, श्री सुंदर जी चौधरी, श्री बिहार राज्य केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में जमुई जिला इकाई के द्वारा जमुई जिले के सभी दवा दुकानदार बंधुओं ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल की। जमुई जिला केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले अपनी चट्टानी एकता प्रदर्शित करते हुए दुकानदारों ने सभी दुकानों को पूर्णतया बंद रखा। दवा दुकानदारों द्वारा दुकान के बंद रखने के शहर में इलाज कराने के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों को दवाई के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ी। करने का मुख्य मांग फार्मासी समस्या है, जो पूरे बिहार राज्य में उसका प्रभाव है। फार्मासिस्ट नहीं रहने के चलते विभाग के द्वारा निरीक्षण के क्रम में परेशानी झेलना पड़ता है, और जब तक फार्मासिस्ट पूरा नहीं हो जाता है, सरकार से हम लोगों का मांग है कि जो पूर्व में अनुगति निर्गत किया गया है उनको परेशान नहीं किया जाए, तंग नहीं किया जाए, उत्पीड़न नहीं दिया जाए, और एक ड्रग एक्ट में निरीक्षण प्रतिवेदन है फॉर्म 35 से, उसके अनुसार निरीक्षण हो। आज 262/15 जो निर्गत किया गया है उसको निरस्त किया जाए। क्या कर रहा है सरकार, मांग आप लोग का सुन रही है? नहीं, सरकार मांग नहीं सुन रही है, तभी तो हम लोग हड़ताल पे हैं। सरकार से मांग तो बराबर से आज 1970 से चला आ रहा है। युवा प्रकोष्ठ हम सूत्री मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। राम गुलाम चौकी गांधी मैदान पटना से चलकर राजभवन तक पैदल मार्च में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। युवा प्रकोष्ठ हम के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार शास्त्री ने कहा कि बिहार में निरंतर हत्या, लूटपाट, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं का पलायन, बढ़ती बेरोजगारी, छात्रों का छात्रवृत्ति बंद है, CAA और NRC के खिलाफ आज हमारे साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। सरकार को युवा आयोग, मजदूर आयोग, रेपिस्टों को एक्सक्लूसिव कोर्ट के माध्यम से 60 दिनों के अंदर फांसी सुनाई जाएगी। अलग अलग कार्यक्रम घोषित कर रही है, कैसे लड़ेंगे? जब बाढ़ आती है ना, तो एक पेड़ अगर होता है तो सांप मीठा सब चढ़ जाता है, तो
नहीं, एक तरह से सहमत देश के सामने बहुत बड़ी प्राप्ति है, इसलिए सब लोग एक घर में आ जाएंगे। आना वो घर कौन होगा, वो पेड़ कौन होगा, होगा साथ में चलेगा, सब लोग चल जाएंगे। बाजी जी का पेड़, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, कोई पेड़ पर हम लोग चढ़ेंगे, शरण लेंगे। उसमें जो पुराना और बड़ा पेड़ है वो ढह भी सकता है, बिखर भी सकता है, बह भी सकता है। अभी तो आप लोग सोचते रहिए, हम लोग तोड़ने के चक्कर में, हम लोग को साथ लेकर चलने के लिए विश्वास। लेकिन आप फिर अपने मांग पर अड़े हुए कि नहीं, कांग्रेस की निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन कमेटी को एक जनतांत्रिक तरीके आज भी वहां साबित हुआ कि हम लोग इतने लोग हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए, उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की 28 तारीख को बैठक है जिसमें हमने तरफ से रियल बसंती साहब को नामित किया है, हम उसमें नहीं रहेंगे। तो ये तो हुआ लार्जर स्टेज में, जहाँ तक NDA अभी महागठबंधन की बात है, पुरानी मांग हमारी है, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं घटक दल जो इसमें आड़े हाथ लाते हैं, उनकी कमजोरी है, उनकी बेईमानी है, उनकी बेईमानी नहीं चलने देंगे। मामला गोड्डा जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निलंगला डी का है, जहां पति पत्नी के झगड़ा होने पर पत्नी घर से भाग गई, वहीं पति दोबारा पड़ोसी को गाली गलौज किए जाने पर पड़ोसी ने लाठी से पिटाई कर दी, वहीं पिटाई के कारण पति जर्बर मरांडी की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल की, मृतक को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं आरोपी पड़ोसी घर से अब भी फरार है। जर्मन मरांडी और पति उनकी पत्नी के बीच में आपस में रात में विवाद हुआ था, ऐसी बात को लेकर के इनके जो पड़ोसी हैं, जो कुटिया सुधीर मरांडी और सुजीत मरांडी, ये दोनों आदमी आए और जर्मन मरांडी साथ में मारपीट की, मारपीट कर करने ही इनकी रात में मृत्यु हो गई। राजधानी पटना में लगातार स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर सरकार के अधिकारियों द्वारा लगातार इस कड़ी में पटना के आशियाना मोड़ स्थित अधिकरण अभियान सूबे के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल को सड़कों पर उतरे और वहां पर लगे झुग्गी झोपड़ी जो अतिक्रमण कर लिए गए हैं उसे हटाया जा रहा था। इसी क्रम में वहां से कई झोपड़ियों में भारी मात्रा में देसी शराब के गैलन भरे मिले, जिसे देख आयुक्त सन्न रह गए और वहीं आयुक्त संजय अग्रवाल ने इस मामले की जांच के आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी पटना और SSC के जिम्मे सौंप दिए। ऐसे में कहीं न कहीं शराबबंदी की पोल राजधानी में शराबबंदी के बावजूद खुलती हुई नजर आई है। देखिए, इस पर हम लोग बहुत ही पिन पॉइंटेड जगह जहां ट्रैफिक कंजेशन अतिक्रमण के कारण हो रहा है उन पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। जैसे आशियाना दीघा रोड का ये जो मोड़ है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था और यहां पर काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता था और पास में ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके वहां पर दारू बनाने का काम कर रहे हैं। तो अब वो दारू बनाने की फैक्ट्री भी आज पकड़ी गई है वहाँ पर, उन पर सब पर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन लोगों को भी जेल में भेजा जाएगा जो लोग वहाँ दारू बनाते थे। ये रोड जो स्लिप रोड है उसका निर्माण कार्य अगले 7 दिनों में पूरा हो जाएगा और उसके बाद इस साइड पर भी नापी करवाई जाएगी। अगर इस साइड भी अतिक्रमण निकलेगा तो यहाँ पर भी एक स्लिप रोड बनाई जाएगी, यदि अतिक्रमण नहीं निकलेगा तो लैंड एक्विजिशन करके भी यहाँ एक स्लिप रोड बनाया जाएगा ताकि जाम की जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो सके। गोल पहाड़ी निवासी राजेश पात्रों के 12 वर्षीय बेटे सागर पात्रों के हार्ट पर शिकायत थी, डॉक्टरों के अनुसार उसके दिल में छेद था, आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो पाया। पिता बेटे को गोद में लेकर अस्पताल चक्कर लगाता रहा पर कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ। MGM लाने के क्रम में सोमवार को पिता की गोद में ही उसकी मौत हो गई। राजेश पात्रों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी छोटे बड़े सभी अस्पतालों का चक्कर लगाया, यहां तक कि सांसद विधायक और तत्कालीन CM रघुवर दास के स्थानीय कार्यालय में भी गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। पिता ने कहा कि आयुष्मान कार्ड रहने के बावजूद इलाज नहीं। राजेश पात्र ने बताया कि सागर के दिल में छेद था, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 7 माह पहले कार्ड बनवाया गया था, जमशेदपुर के अलावा कोलकाता समेत देश के कई अस्पतालों में गए लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। खबर पटना से है, जहां KP मॉल बड़े धमाके के साथ वापस आ गया है। भारत के पसंदीदा होम स्टोर होम टाउन का प्रतिष्ठित मानो या ना मानो सेल होम टाउन के पटना स्टोर पुराना अशोक सिनेमा हॉल स्थित ये होम टाउन 18,000 स्क्वायर फीट में फैला है, जो एक ही छत के नीचे होमवेयर मॉड्यूलर किचन और मॉड्यूलर वार्डरोब एक ही विस्तृत और बहुमुखी रेंज प्रदान करता है। श्री सौम्यजीत बनर्जी महाप्रबंधक होम टाउन ने कहा कि होम टाउन का ये स्टोर फर्नीचर संग्रह में असीम छूट के साथ लिविंग रूम डाइनिंग रूम और बेडरूम फर्नीचरों की विस्तृत तथा भव्य संग्रह से पूर्ण है, जो पारंपरिक से समकालीन काल तक के विभिन्न डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र के अनुरूप है। साथ ही ये स्टोर आपके दैनिक आवश्यक सामानों के लिए आवश्यक फर्नीचर की एक विस्तृत श्रृंखला संग्रह प्रदान करता है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के समर्थकों से इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क के नाम पर सिर्फ झाड़ू को ही वोट करने की अपील की है। वो बुधवार को सुबह बादली और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये चुनाव अलग है, इसमें सब लोग मिलकर सिर्फ झाड़ू को ही वोट देना। उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्कूल और अस्पतालों को ठीक किया है, किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो ये फिर से खराब हो जाएंगे। उन्होंने अपील की कि भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों में है तो उसमें ही बने रहिए, लेकिन इस बार अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही वोट दीजिए। इस बार किसी पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि स्कूल, अस्पताल और बिजली आदि कामों पर वोट पड़ना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया भर की खबरें जानने के लिए देखते रहिए। नमस्कार।